रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बता दें अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रामलला की भव्य मूर्ति को गर्भगृह में पहुंचा दिया गया है। इन सबके बीच हम आपको बताएंगे कि रामलला की इस मूर्ति में क्या कुछ है खास। रामलला की इस मूर्ति में विष्णु के दशा अवतार बनाए गए हैं। इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुध, कलिक अवतार नजर आएंगे। प्रतिमा के एक ओर हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। गर्भगृह में पहुंचाई गई 5 साल की रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। इसके चारों तरफ आभा मंडल है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम बताया जा रहा है। रामलला की प्रतिमा के सिर पर सूर्य विराजमान है और वहीं आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी बनाए गए हैं। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा भी उकेरे गए हैं। इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया जाएगा। उनके बाएं हाथ में धनुष होगा और दाहिने हाथ से आशीर्वाद देंगे। सिर पर रामलला को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। बता दें कि रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग आ रहे हैं और इसमें विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं गर्भगृह की बात करें तो यही वह जगह है जहां बाल स्वरूप में श्री रामलला की मूर्ति विराजमान है। मंदिर काफी खुला खुला दिखता है लेकिन गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है। गर्भगृह को अष्टकोण में बनाया गया है। एक तरफ प्रार्थना मंडप और दूसरी तरफ कीर्तन मंडप बनाया गया है। राम मंदिर जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो कीर्तन मंडप में राम धुन होती रहेगी। राम मंदिर का गर्भगृह उसी जगह पर है जहां महाराज विक्रमादित्य ने इनको बनवाया था। रामनवमी के दिन साक्षात सूर्यदेव रामलला का अभिषेक करेंगे। हर रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण शिखर से आकर भगवान श्री राम के ललाट पर आकार पड़ेगी और भगवान श्री राम का बाल स्वरूप मूर्ति यूं ही चमकता रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि जो मंदिर है वो हजारों साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में अब तो अतिथियों का आगमन भी शुरू हो चुका है। कई सारे विमान और पर्सनल जेट आ रही हैं। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।